हेलो, झटके टेको इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा अटेंडेंस मॉडल के बारे में और रिपोर्ट मॉडल के बारे में। अटेंडेंस मॉडल में मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, शिफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं और शेड्यूल कैसे करते हैं। रिपोर्ट मॉडल में मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो पे मैंने कवर किया था सिस्टम मॉड्यूल, पर्सनल मॉड्यूल, डिवाइस मॉड्यूल और पेरोल मॉड्यूल। अगर आप वो वीडियो नहीं चेक किए हैं तो पिछले वाले वीडियो पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे अटेंडेंस मॉड्यूल में। अटेंडेंस मॉड्यूल में 11 सब मॉड्यूल्स हैं। रूल, वर्क टाइप, स्टार्ट्स, टाइम टेबल, शिफ्ट शेड्यूल, टेम्पररी शेड्यूल, एक्सेप्शन असाइन, ट्रांजैक्शन, कैलकुलेट और मंथली शेड्यूल। तो हम फर्स्ट जाएंगे रूल्स पे। यहाँ पर रूल्स में बेसिक रूल में आप सेट कर सकते हैं वीकेंड सेटिंग्स। सो आपके ऑफिस और आपके कंपनी के हिसाब से कब वीकेंड है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सैटरडे संडे सेट किया हूँ और वीक डे टाइम टेबल, वर्क टाइम टेबल। सो यहाँ पर अगर मंडे से लेकर संडे तक वर्क टाइम सेट करना है और कितने आवर्स के बाद ओटी सेट करना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, सो ओटी लेवल 2, ओटी लेवल 3, उसी हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं। इतना मिनट क्रॉस होने के बाद वहाँ पर ओटी एप्लीकेबल होगा। एनेबल वर्क इन डे ऑफ। अगर कोई एम्प्लॉय वर्क करता है वो वीक ऑफ में तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कितना घंटा काम करने के बाद या कितने मिनट काम करने के बाद उसको ओटी मिलना चाहिए। ओके, तो अभी हम आएंगे हॉलीडे पे। यहाँ पर आप हॉलीडे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपके ऑफिस में कुछ हॉलीडे हैं जैसे कि लोकल हॉलीडे, सो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट में आर्ट नेम, लोकल हॉलीडे। अगर आप चाहो तो एनेबल वर्क इन हॉलीडे भी कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 29 डे 1। ओके, फिर सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर लोकल हॉलीडे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखिए अगस्त 29 को लोकल हॉलीडे। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे हॉलीडे क्रिएट कर सकते हैं। फिर एडवांस सेटिंग में यहाँ पर आप सैलरी मोड भी क्रिएट कर सकते हैं। यूज डिवाइस अटेंडेंस स्टेटस। ओके, इसको सिलेक्ट करके भी आप रख सकते हैं। अगर नहीं सिलेक्ट करते तो यहाँ पर डुप्लीकेट पंच टाइमिंग 1 से लेकर 30 मिनट तक अंदर दे सकते हैं। फिर नीचे आता है वेगेज मोड। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं डे चेंज एट, कितने टाइम के बाद आपका डे चेंज होता है वो टाइमिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी यूज डिवाइस अटेंडेंस सेटिंग से, तो यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर चेक करने के लिए यूज फर्स्ट चेक इन एंड लास्ट चेक आउट ओनली, इसको आप चाहे तो एनेबल या डिजेबल कर सकते हैं। ओके, ये सब करने के बाद फिर सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद अब जाएंगे हम वर्क टाइप पे। सो यहाँ पर आप वर्क टाइप चेक कर सकते हैं, जैसे कि वीकेंड में वर्क टाइप या डे ऑफ या फिर नॉर्मल वर्क, हॉलीडे, लीव, ओवर टाइम। ओके, फिर स्टार्ट्स में भी आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है 16 तक मिस टाइमिंग, बिजनेस लीव, ओटी लेवल 1, ओटी लेवल 2, ओटी लेवल 3। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप न्यू स्टार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऐड करके न्यू स्टार्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे टाइम टेबल में। नो, टाइम टेबल मॉडल में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर टाइम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट जनरल सेटिंग्स में यहाँ पर देखिए टाइम टेबल मोड रेगुलर है, आप चाहे तो फिक्सेबल भी कर सकते हैं। फिक्सेबल मतलब अगर आपका एम्प्लॉयज किसी का वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, सॉरी वर्किंग टाइम फिक्स नहीं है, तो आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम जाके 24 आवर में सेट कर सकते हैं और वर्क टाइम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कितना घंटा काम करना है विद इन 24 आवर। ओके, और रेगुलर शिफ्ट में आप यहाँ पर टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं कितना फिक्स टाइमिंग 9 से लेके 6 बजे या फिर 9:10 से लेके 6:30 तक, ये टाइमिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम टाइम टेबल क्रिएट। तो टाइम टेबल में
आपको फर्स्ट यहाँ पर चेक इन टाइम एंटर करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं एक नया क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऐड में क्लिक कीजिए न्यू टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए। टाइम टेबल नेम दीजिए, मैं टेस्ट दे रहा हूँ। चेक इन टाइमिंग यहाँ पर सेट कीजिए 10 से लेके, मैं 10 AM से लेके 6 PM तक कर लेता हूँ। ओके फिर यहाँ पर देखिए अलाउ लेट इन, कितना मिनट होने के बाद लेट इन अलाउ है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अगर चेक कर रहे हो तो। अलाउ अर्ली आउट, कितना मिनट जल्दी एक एम्प्लॉय लीव कर सकता है, तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेट इन एग्जिस्ट मिनट एज ए एब्सेंट, अगर कोई लेट मिनट ज़्यादा एग्जिट करता है, जैसे कि 2 या 2 मिनट से ज़्यादा या 3 मिनट से ज़्यादा, उसको एब्सेंट रखना, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर मैं अभी ऑफ़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर पंच फ्रॉम, यानी कि अगर 10 बजे है तो पंच इन स्टार्ट कितने बजे से होगा, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। मैं 9 रख लेता हूँ, 9 बजे से चेक इन स्टार्ट होगा। फिर चेकआउट टाइमिंग 18 है, तो कितने बजे तक आप चेकआउट रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 बजे तक है, तो मैं 7 बजे तक रख लेता हूँ। 19 ओके। फिर यहाँ पर नीचे भी देखिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, काउंट अटेंडेंस एज एब्सेंट विदाउट चेक इन। अगर कोई यूज़र या एम्प्लॉय चेक इन करना भूल जाता है तो उसको एब्सेंट रखना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर भी अकॉर्डिंग का ऑप्शन, अर्ली आउट एक्सिट, अगर इतना से जल्दी से कोई 10 मिनट या 15 मिनट जाता है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सपोज 10 मिनट, 10 मिनट से जल्दी अगर कोई जाता है तो उसको आप एब्सेंट रख सकते हैं। ओके अकाउंट अटेंडेंस एज एब्सेंट विदाउट चेकआउट, अगर चेकआउट करना भी कोई भूल जाता है तो उसको भी अगर ऑप्शन रखना है, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके एनेबल ओटी ऑप्शन भी अवेलेबल है, ईयरली इन एक्सिट, अगर ईयरली इन ज़्यादा कोई, सपोज 5 मिनट से ज़्यादा कोई ईयरली इन करता है, तो उसको वर्किंग आवर में गिनना है कि नहीं, ये आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, सेम एज ईयरली आउट में भी। अगर आपको फर्स्ट चेक इन और लास्ट चेकआउट ऑप्शन एनेबल रखना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है, यूज़ फर्स्ट चेक इन एंड लास्ट चेक इन, तो ये आपका अटेंडेंस में जितने भी पंचेस है उसके फर्स्ट और लास्ट पंच कैलकुलेट करेगा। ओके सो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टाइम टेबल के नीचे एक टेस्ट टाइम टेबल क्रिएट हो चुका है, तो अभी हम जाएंगे शिफ्ट पे। तो यहाँ पर शिफ्ट में देखिए एक टेस्ट टाइम टेबल है। यहाँ पर मैं अभी एक नया शिफ्ट क्रिएट करूँगा, यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट है। सो न्यू शिफ्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड में क्लिक कीजिए, ऐड में क्लिक करने के बाद शिफ्ट के नेम दीजिए टेस्ट शिफ्ट स्टार्ट डेट, साइकिल टाइप वीकली रखना है कि डे वाइज रखना है। ओके सो मैं वीकली रखता हूँ। साइकिल लेंथ, यहाँ पर साइकिल लेंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1। उसके बाद हम ये जो टाइम टेबल है उसको ड्रैग करेंगे नीचे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सो सैटरडे संडे वीक ऑफ है, तो यहाँ पर अगर आप टाइम टेबल यहाँ पर असाइन नहीं करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली वीक ऑफ हो जाएगा। ओके फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके तो अभी जो हम टाइम शिफ्ट क्रिएट किए हैं वो सेव हो चुका है। अभी हम जाएंगे शेड्यूल में, तो शेड्यूल में मैं आपको बताऊंगा जो टाइम टेबल और शिफ्ट हम लोग क्रिएट किए हैं उसको हम असाइन कैसे करेंगे यूजर्स को। ओके सो यहाँ पर देखिए बाय शिफ्ट एम्प्लॉय शिफ्ट बाय एम्प्लॉयज़ 2 ऑप्शन अवेलेबल है। बाय शिफ्ट में आप चेक कर सकते हैं ये जो टाइम टेबल या शिफ्ट जो है उसके अंदर कितने यूजर्स हैं। ओके सो जैसे कि हम यहाँ पर टेस्ट शिफ्ट हम लोग जो क्रिएट किए हैं वहाँ पर कोई यूजर्स नहीं है, तो इसलिए ब्लैंक शो कर रहा है इधर। सो अगर इसको अनसिलेक्ट करके डिफॉल्ट में सिलेक्ट करेंगे, सो डिफॉल्ट शिफ्ट में सब यूजर्स हैं। ओके
तो बाय शिफ्ट में आपको ये पता चलता है कि ये शिफ्ट में कितने यूजर्स हैं, और बाय एम्प्लॉयज़ में ये पता चलता है कि ये एम्प्लॉय कौन से शिफ्ट में है। अभी हम लोग असाइन करेंगे टेस्ट शिफ्ट यूजर्स को। सो यहाँ पर शिफ्ट में सिलेक्ट कीजिए, फिर स्टार्ट डेट, एंड डेट। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप असाइन टू डिपार्टमेंट या फिर असाइन टू एम्प्लॉयज, ओके सिलेक्ट करके ऑल एम्प्लॉयज कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद फिर शिफ्ट में आइए। अभी देखिए डिफ़ॉल्ट शिफ्ट में कोई भी यूजर्स नहीं है, इसको अनसेलेक्ट करके अभी टेस्ट शिफ्ट में देखिए, सब यूजर्स टेस्ट शिफ्ट में आ चुके हैं। ओके, तो ऐसे हम शिफ्ट असाइन करते हैं यूजर्स को। फिर हम आएंगे स्मार्ट शिफ्ट मैनेजमेंट में। सो यहाँ पर आप जो भी जितने शिफ्ट क्रिएट किए हैं यहाँ पर आप आके मैनेज कर सकते हैं यूजर्स को सिलेक्ट करके। ओके, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, अब ये यूजर्स कौन से शिफ्ट में है इसको सिलेक्ट करके आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, फिर हम आते हैं टेम्पररी शेड्यूल। टेम्पररी शेड्यूल में अगर कोई यूजर्स जैसे कि वीक ऑफ में आके काम कर रहा है, आप वहाँ पर आपको वो टाइम टेबल असाइन करना है कि वो यूज़र उस दिन आके ये टाइमिंग टेबल में ये टाइमिंग में काम किया है, तो आप ये यहाँ से असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ओटी, कौन सा टाइमिंग में आया है ये शिफ्ट असाइन कीजिए। फिर डेट सिलेक्ट कीजिए, सपोज सैटरडे आया है 19 को असाइन, सो उसी दिन वो आके ये टाइमिंग में काम किया है तो यहाँ पर वो असाइन हो जाता है और वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर एक्सेप्शन असाइन में, एक्सेप्शन असाइन में मतलब सपोज कोई सिक लीव लिया है या फिर वैकेशन लीव, उनको असाइन करना है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो यहाँ पर आप वो असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लीव टाइप सिलेक्ट कीजिए, सपोज सिक लीव। ओके, अगर शिफ्ट वाइज आपको असाइन करना है या फिर टाइमिंग वाइज, सो अगर टोटल शिफ्ट अगर क्लिक करते हैं तो शिफ्ट वाइज उनको लीव अलॉट हो जाएगा, या फिर अगर फ्रॉम टाइमिंग के हिसाब से अलर्ट करना है, जैसे हाफ डे लिया है कि इतना घंटा का लीव लिया है, तो यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। सो मैं टोटल शिफ्ट डे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद, फिर यहाँ पर डेट सिलेक्ट कीजिए, फिर अजाइन। ओके, सो यहाँ पर देखिए 31 अगस्त को ये यूज़र सिक लीव लिया है। ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर लेगा। फिर आते हैं हम ट्रांजैक्शंस में। सो ट्रांजैक्शंस में हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं जितने भी यूजर्स हैं उनका ट्रांजैक्शन, जो भी रिकॉर्ड्स पंच इन पंच आउट किए हैं उनका ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कीजिए, डेट सिलेक्ट कीजिए, डेट सिलेक्ट करने के बाद सर्च, सर्च करने के बाद यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पर शो करेंगे। जैसे कि मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं आज, मैं यहाँ पर देखिए कौन से डिवाइस में किया हूँ वो सब आपको शो करते हैं, पंच टाइमिंग ऑल्सो। ओके, अगर कुछ ट्रांजेक्शन आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट में सिलेक्ट करके यहाँ पर फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि MS Excel या फिर टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल। फिर फाइल सोर्स सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए, जो भी रिकॉर्ड्स आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट भी सेम वे में, अगर ये ट्रांजैक्शन आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जाएंगे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में हमको जितने भी ट्रांजेक्शन है यूज़र का वो हम कैलकुलेट करेंगे। सब यूज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट डेट कीजिएगा, कैलकुलेट में क्लिक कीजिए या फिर व्यू रिजल्ट में। ओके, कैलकुलेशन कंप्लीटेड। ओके, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज कोई यूज़र जैसे कि अरिजीत ने डेट सिलेक्ट कीजिए 23 को, मैं पंच इन करना भूल गया हूँ, चेकआउट करना, तो यहाँ पर टाइम सिलेक्ट कीजिए 18, अटेंडेंस स्टेटस चेकआउट, वर्क कोड वर्क, रीजन ने। ओके, फिर सेव कीजिए। देखिए अभी ये यूज़र को जो भी टाइम है, अभी जो आपने रिकॉर्ड्स कैलकुलेट करके निकाले हैं, अगर इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं MS Excel या फिर टेक्स्ट फाइल या फिर CSV फाइल या फिर PDF फाइल में। ओके, तो अभी हम जाएंगे फिर मंथली शेड्यूल में। मंथली शेड्यूल में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो यूज़र्स का कौन सा शिफ्ट है या फिर उसका वर्क टाइम क्या है, टोटल शेड्यूल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सपोज मैं एक एम्प्लॉय का चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको शो कर लेगा कौन
कौन कौन सा डे वर्किंग डे है और कौन सा वीक ऑफ है। अगर आप यहाँ पर शो डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग भी आपको शो कर लेगा, जैसे 10 to 6। ओके, सो यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए मल्टीपल मंथली शेड्यूल, यहाँ पर और एक ऑप्शन है सिंगल पर्सन मंथली शेड्यूल। अगर सिंगल पर्सन मंथली शेड्यूल में सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल पर्सन का आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जाएंगे रिपोर्ट्स मॉड्यूल में। सो रिपोर्ट्स मॉड्यूल में यहाँ पर आप तीन मॉड्यूल्स देख सकते हैं, एम्प्लॉय रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट और पेरोल रिपोर्ट। सो एम्प्लॉय रिपोर्ट में आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका सब रिपोर्ट जितना भी है वो आप चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एम्प्लॉयज, सो कस्टम करके सिंगल एम्प्लॉयज भी आप चेक कर सकते हैं। कंफर्म रिपोर्ट, सो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है उसका पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, डिपार्टमेंट, जॉब, हायरिंग डेट, सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, जी अगर आप ये फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल में आइए, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर पीडीएफ या एचटीएमएल फाइल या फिर कोई भी फॉर्मेट से आप सेव कर सकते हैं ये फाइल। ओके, उसके बाद हम आएंगे अटेंडेंस मॉड्यूल में। सो अटेंडेंस मॉड्यूल में यहाँ पर आप देखिए 15 रिपोर्ट टाइप्स है अटेंडेंस रिपोर्ट्स में। सो आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन देखना है या फिर डेली अटेंडेंस करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट आप डेट सिलेक्ट कीजिए, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर अटेंडेंस में कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट करने के बाद ही आप फिर रिपोर्ट्स में आके अटेंडेंस में ट्रांजेक्शंस, यहाँ पर आपको पूरा ट्रांजेक्शन शो करेगा। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से फाइल में आके एक्सपोर्ट करके यहाँ पर कोई फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में ये शो करेगा एक एम्प्लॉय एक दिन में कितने बार पंच किया है। ओके, फिर हम आपको एक दिखा देता हूँ डेली अटेंडेंस। यहाँ पर डेली अटेंडेंस में आपको दिखेगा पर डे के हिसाब से आपका अटेंडेंस रिजल्ट क्या है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सेम प्रोसेस, डाउनलोड, एक्सपोर्ट, कोई फॉर्मेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम आएंगे पेरोल रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए अटेंडेंस ट्रांजैक्शन है, आप यहाँ पर अटेंडेंस डाटा 1 या अटेंडेंस डाटा 2 या एब्सेंस डाटा यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप गेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम आएंगे पेरोल रिपोर्ट। यहाँ पर जो भी पेरोल है, जो पिछले मॉड्यूल में आपको बताया था, पेरोल में आपको दिखाया था कि कैसे पेरोल का फॉर्मूला आपको एंटर करना है, सो डेमो एक दिया था। सो अगर उसका रिपोर्ट चाहिए, सपोज मैं यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट में एक फॉर्मूला रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने एंटर किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और उसका डाउनलोड करने का प्रोसेस भी सेम है, फाइल में एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर आप आवर डिटेल्स, डिटेल रिपोर्ट चाहिए या फिर पे रिपोर्ट, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो रिपोर्ट हमारा लास्ट मॉड्यूल है और यहाँ पे मैं आप रिपोर्ट हमारा लास्ट मॉड्यूल है और यहाँ पर मैं जेटके टाइम डॉट नेट वर्जन 3.3 सॉफ्टवेयर के सारे मॉडल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में और कुछ जानना हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर का यूजर गाइड मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं सारे मॉडल्स के बारे में। ओके, और फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी जानना हो तो आप हमारे ये टेक्निकल सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जेट के टेको इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।